देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर जनपद मेरठ से आ रही है। मेरठ लोचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में जहां पर पीटीओ पुल के पास तीन माह पहले ही आपको बता चले लाखों रुपए की लागत बनाकर ये नाला मामूली बारिश में ही जमीन में समा गया। मेरठ नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में आरटीओ पुल के पास तीन महीने पहले लाखों के रुपए की लागत से बना नाला मामूली बारिश में ही जमीन में समा गया, जिसके चलते लोगों के घरों और दुकानों की नींव में नाले का पानी घुस गया और मकानों में दरारें आ गईं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पार्षद से शिकायत की है। जानकारी के अनुसार इस नाले का निर्माण मार्च में 2020 में किया गया था, जिसके लिए आवास विकास की तरफ से लाखों रुपए का टेंडर पास किया गया था। चुनेजा नाम के किसी ठेकेदार ने नाले का निर्माण कराया था। मैं आपका मेरा नाम फाइक सैफी है। मैं सेक्टर 13 प्लॉट नंबर 450 में रहता हूँ। ये मेरा मकान है। इसकी जो है आज सुबह 6 बजे नाले की जो पुलिया बनाई गई थी, ये इसमें ठेकेदार है मिस्टर जुनेजा जी, उनके द्वारा ये काम पूरा हुआ है और खराब कंस्ट्रक्शन ही कहेंगे इसको। जो ये इतनी कम बारिश में पुलिया ढह गई, इसकी वजह से हमारी गाड़ी इसके अंदर दब गई। इसको हमने बाद में क्रेन बुला के उसे निकलवाया। मोटरसाइकिल खड़ी थी वो गिर गई। एक दो लोग जो यहाँ पर सुबह आके बैठते हैं बारिश से बचने के लिए, वो गिरते गिरते बचे हैं। उसके अलावा जितने भी लाइन से मकान बने हुए हैं सबके साथ यही परेशानी है। आप ये देख सकते हैं सारे पानी की लाइन टूट गई है, पतलाने टूट गए हैं। तो इसमें कोई घायल भी हुआ? घायल तो खैर कोई नहीं हुआ, बच गए। समय रहते आदमी ने अपनी जान बचा ली। और अगर कोई रात में या कोई लेटा होता सो रहा होता तो परेशानी हो सकती थी। तो इसमें आपने किसी को शिकायत की इस मामले में? यहाँ पे शिकायत हमारे जो यहाँ सभासद हैं उनको बुलाया था, उनको दिखाया मामला पूरा जी। तो उन्होंने इस चीज को ऊपर बोला है, जो भी यहाँ पर आवास विकास में जो काम देखते हैं सिविल का, उनको बोला है जी। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि आके देखेंगे। अभी तक हमारे सामने तो कोई आया नहीं। कोई हमारे पीछे कोई देख के गया हो तो देख के गया हो, अभी तक कोई आया नहीं। सुबह से कोई आया नहीं है वैसे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को